जी, मैं अदिति शर्मा। सबसे पहले मैं आज बताना चाहती हूँ कि SRO-202 के बारे में कुछ। एक तो SRO-202 जो 2015 में आया है, इसका एक तो ये बेसलेस है, बेबुनियाद है, इलीगल ऑलमोस्ट मैं इसमें कह सकती हूँ कि इसमें कुछ ऐसी वॉयलेशन है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी वॉयलेट करती हैं, जैसे 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसको भी ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसे ये SRO-202 जो आया है इसको ये वॉयलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट को की जजमेंट को ही वॉयलेट करता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर की भी बात करें, SRO-202 में जो इन्होंने दिया भी है उसमें ये था कि जैसे 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपने कोई भी आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मैं बताऊं कि इतने इस दौरान की बात बताऊं, 1 साल के अंदर भी लोगों की ट्रांसफ़र्स हुई हैं और फास्ट ट्रैक रखा था इसमें जिसमें 3 महीने का टाइम बाउंड दिया गया था, लेकिन आज कितने साल हो गए हैं अभी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग वो नहीं मिला है। आज कई साल 4-5 साल हो गए हैं। अब अगर ये यहाँ पर अब ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में 5 साल उनको प्रोबेशन पीरियड पे जाना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10 साल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये खुद अपने आप को, अपनी ही खुद की स्टेटमेंट्स को वॉयलेट करता है SRO-202। तो अगर हम आज जैसे अभी ये नई नीतियाँ आई हैं और नई लोगों ने कहा है डोमिसाइल एक्ट वगैरह ये सब कुछ लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, इसके अलावा जो 10,000 पोस्ट निकली हैं, अगर हम बात करें, देखिए 5 मार्क्स तो उन्होंने हर किसी को दे दिए, जैसे कोई विडो है या कोई जो डेली वेजर्स हैं इन सब लोगों के लिए किया है, लेकिन ये उनके साथ कम्पीट कैसे करेंगे? किसी भी तरीके से ये लोग आज की डेट में उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर्स यहाँ पर जिनको कई कई साल हो गए हैं, जो आज खुद 45-50 साल की उम्र के हो गए हैं, वो जब लगे थे वो 8वीं 10वीं पढ़े हुए वो लोग डेली वेजर्स लगे हैं, आज की डेट में वो लोग इन पढ़े लिखों के साथ, इतने एजुकेटेड यूथ के साथ कम्पीट कर सके ये पॉसिबल किसी भी तरीके से नहीं है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो इसमें उस वक्त कहा गया था कि 1 लाख पोस्ट निकलेंगी, जबकि तब से लेकर अब तक अगर बात करें तो इस SRO-202 तक इसके तहत नॉन गेजेटेड पोस्ट जो थी वो 8,000 निकली, पुलिस की 8,000 निकली और 2,000 थी गेजेटेड। तो इस हिसाब से भी ये खुद ही को वॉयलेट कर गया, 1 लाख पोस्ट कोई भी नहीं निकली है, आज तक कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सो दिस वे इट वॉयलेट्स इट्स ओन थिंग। उसके बाद में अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनको कहा गया था कि हार्ट जोन में इनको जो भी ये पहले लगेंगे इनको सबसे पहले हार्ट जोन में लगाया जाएगा, जैसे कि गुरेज वगैरह यहाँ पे जो उस साइड वाली जो जगह हैं हार्ट जोन जिसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ लगाया जाएगा, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ 1 साल के अंदर उनको चेंज कर देना चाहिए, यहाँ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, लेकिन आज कई साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ लोग अभी भी वो हार्ट जोन में ही हैं, अभी तक उनको यहाँ से वहाँ से हटाकर किसी और जगह नहीं लाया गया है। सो अलाउंसेस नहीं है, ये अपने आप में एक वॉयलेशन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, मैं बता चुकी हूँ हाउ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जजमेंट है, जिसको वॉयलेट करने का हमारा कोई सेंस नहीं बनती। तो मतलब ऑलमोस्ट ये एक सेंसलेस चीज़ है, आई मीन मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी एक बात है इसमें कुछ कहने वाली की। हर चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, दिस इज मास लेवल जो मैंने आपको बताया कि इसमें रिक्रूटमेंट यही 1 लाख जो लोगों की होनी थी, कहाँ 1 लाख लोग और कहाँ पर मतलब आप 10,000 या 15,000 लोगों की या 20,000 लोगों की बात करते हैं, और अभी तक आज इतने सालों में भी सिर्फ इतना ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि जम्मू में जम्मू कश्मीर को इस वक्त हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग अपने जब जैसे 370 हटा है, इतने सालों से कई सालों से कई चीज़ों से डिप्राइव जम्मू कश्मीर रहा है, तो आज हमारे यूथ को चाहिए कि हम इनको थोड़ा सा मौका दें। सो दैट्स इट।